लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। सभी पार्टियां मतदाताओं को साधने में लगी हैं। इसी कड़ी में सभी पार्टियां नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ जनसभाओं के माध्यम से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। इन्हीं सरगर्मियों के बीच आज सोनीपत लोकसभा के गोहाना हल्का में भाजपा ने हल्का स्तरीय विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। रैली में नेता जलूस की शक्ल में लंबे काफिले के साथ नारेबाजी करते हुए रैली स्थल तक पहुंचे। रैली में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। रैली में पहुंचने पर मनोहर लाल खट्टर का नेताओं द्वारा बड़ी सी माला सहित खेती किसानी का प्रतीक हल देकर उनको सम्मानित किया। भारी संख्या में बरोदा हल्का से पहुंचे कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली ने पार्टी द्वारा पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों और भविष्य के लिए लिए गए संकल्पों को बताकर जोश भरने का काम किया और फिर से भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जिताने की अपील की। ये लोकसभा 2024 का चुनाव और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 से लेकर आज तक जो देश में विकास के और जन कल्याण की अनेक योजनाएं चलाने का काम किया है, बहुत बड़ा परिवर्तन देश में किया है। हर चीज में आपने परिवर्तन नजर आया है और पूरे देश का जो मान सम्मान देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है, उनको तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने इस बात को लेकर ये चुनाव है। प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये जिम्मेवारी जो मेरे को देके भेजी है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आने वाली 25 मई को भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल का बटन दबा के देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, यही निवेदन और प्रार्थना मैं आपके बीच में करने को आया। गुहाना रैली से निकलकर मोहनलाल बडोली फिर से जनता के बीच सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर भारी संख्या में पहुंचे युवा और महिलाओं ने उनका फूलमालाओं व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम को पूर्व मंत्री अनिल ठक्कर, जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा, प्रदेश स्तरीय नेत्री अनीता शर्मा सहित मोहनलाल बडोली ने संबोधित किया और वोट की अपील की। 4 वोटों से जीते ने, अब की बार भाई साहब एक रिकॉर्ड बनाएंगे, 5 लाख वोटों से जीत कर जाएंगे। और जब ये 5 लाख वोटों से जीत कर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा और सोनीपत में भी आज तक कोई भी सांसद मंत्री नहीं बने, मंत्री भी बनकाओगे। बार लेने पहुंचे हैं, आप इन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संसद दिल्ली में एक हमारा भी नाम हो कि संसद में जो है सोनीपत का जो सांसद है मोहन बडोली जी, वो आपकी समस्याओं को रखे और आपके कामों को आगे सुचारू रूप से चलाए। पहले सरकारें थी वो सिर्फ परिवारवाद की होती थी और आज जो सरकार है, अभी मोदी जी पर एक इल्जाम भी लगा था कि इनका परिवार क्या है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा जब भी वो अपनी बात कहते हैं कि मेरा जो परिवार है वो देश की 140 करोड़ जनता है, तो उसमें आप हम और सभी, उन्होंने तो कभी पक्ष विपक्ष करके बात ही नहीं करी। और मेरी बहनों, आप घर की होम मिनिस्टर है, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहला काम जो हमारी रैली हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। इस 5 वर्ष की योजना में 3 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने की योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में जारी किया है। उसी प्रकार से जहां गरीब लोगों को 5 वर्ष तक मुफ्त राशन देने की योजना बनाई, वहीं पर 53 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का काम किया है। और देश का कोई भी महिला हो या पुरुष हो, 70 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का, उसके इलाज की पूरी गारंटी सरकार ने ली। दौरान मोहनलाल बडोली ने जगत महा न्यूज से बात करते हुए आज गोहाना में आयोजित रैली को सफल बताया और कहा कि जनता ने भाजपा की नीतियों पर भरोसा करते हुए तीसरी बार भाजपा को चुनने का मन बना लिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी उतारे जाने पर इस बार मुकाबला विचारधारा का बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं। आज गोहाना में हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक विजय संकल्प रैली जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके गोहाना विधानसभा की हुई और बहुत सफल रैली, बहुत सफल आयोजन,
लोगों ने खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के पक्ष में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की गारंटी, विश्वास की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, युवाओं के रोजगार की गारंटी, महिलाओं के अधिकार की गारंटी और किसानों के सम्मान की गारंटी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, उससे प्रभावित होकर उस पर विश्वास करते हुए आज बहुत बड़ा आयोजन गुहाना में हुआ और एक तरफा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा सोनीपत में बना है। अब से पहले आप अकेले अखाड़े में थे, लेकिन अभी कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी भी उतर गए हैं, इनेलो के प्रत्याशी भी आ गए हैं, तो अब मुकाबला आपको किस तरह का लग रहा है? मुकाबला देश में लोकसभा का चुनाव है और ये मुकाबला व्यक्ति का मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला है विचारधारा का मुकाबला। और भारतीय जनता पार्टी इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है, इस राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहती है और कांग्रेस की विचारधारा है बांटो राज करो। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से देश में भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं और गरीब कहा कि गरीब के घर तक ना जाके भ्रष्टाचार में वो पैसा गया है। और उनके पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, अगर आप उनका पुराना बयान देखोगे, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि अगर हम 100 रुपये बेचते हैं तो वो नीचे जाते जाते 15 रुपये रह जाते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर किसान सम्मान निधि 2000 रुपये बेचते हैं तो 2 सीधी किसान के खाते में आती है। अगर किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का कोई स्कॉलरशिप भेजते हैं तो सीधी उस बच्चे के खाते में आती है, हर व्यक्ति के खाते में सीधी योजना का पैसा सीधा उसको देने का जो काम किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, बीच की लीकेज को बंद किया है। इसलिए ये विचारधारा की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम है, उस 10 वर्षों की जो उपलब्धियां है ये चुनाव उसको लेके, और जनता मन बना चुकी है कि तीसरी बार मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर के एक कांग्रेसी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो उग्रवादियों को जो सही मतलब मरे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और बीजेपी के नेताओं को अंदर किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बहुत पुराना इनका कल्चर है, इनका चाल चरित्र चेहरा समय समय पर उजागर होता है और वो जो पेट की बात जुबान पर उनकी आती है और जिस प्रकार की उनकी विचारधारा है, जिस प्रकार से वो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वो उसी प्रकार का बयान उन्होंने दिया है। ये सच्चाई है कि कांग्रेस से जिस प्रकार का भारत बनाना चाहती है, उनके जो नेताओं के बयान है वो सच उनके मुंह पर आती है और भारतीय जनता पार्टी इस देश को मजबूत करने में लगी है और जो जिस प्रकार के बयान कांग्रेस के नेता देते हैं उनका हम खंडन करते हैं। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे काम हुए, पहले लोकसभा में बहुत सारे काम हुए, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के दौरान आपका विजन क्या है? इस लोकसभा चुनाव के बाद इस देश को लगातार प्रगति बढ़ाने के लिए विकसित भारत का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, नई तकनीक के साथ देश में नए नए काम करना और जिस प्रकार की डिमांड जनता की होगी उस जनता की डिमांड को पूरा करना, यही हमारा मकसद। इस दौरान जगत महान न्यूज ने महिला नेत्रियों से उनकी मन की बात जानी और योगेश पाल अरोड़ा और त्रिभुवन कौशिक से कांग्रेस की टिकट घोषित होने के बाद बदले माहौल पर बात की। महिलाएं के आंसू पोंछने का काम मोदी जी ने किया, महिलाओं को गैस देने का काम मोदी जी ने दिया, महिलाओं को लखमत्ती दीदी बनाने का काम मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किसान की आवाज को सुना, मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए काम किया, तो महिला भाई बहन और ये पूरा भारत देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी जी का पूरा परिवार 140 करोड़ देश की जनता मोदी जी के साथ है और इसकी हम 400 पार जा रहे हैं इस बार। पहले चरण के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी डरने लगे तो आगे कपकपाने लगे, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, जिनको डर होता है वही ज्यादा करते हैं। एक कोई भी सामने खड़ा हो, मैं ऐसा बयान देना नहीं चाहती इसमें, जब किसी को आप मार दो ना तो वही बहुमो करता है, तो डर किसको लग रहा है? ये देश की 140 करोड़ जनता जानती है और देश की 140 करोड़ जनता हमारे हरियाणा में 25 तारीख को और 4 जून को जवाब दे देगी कि डर कौन रहा है। अगर डरना, मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ इसके माध्यम से, लंबा ना हो तो आपकी, एक दिन अटल जी बने थे तो हमारे 3 सांसद बने थे तो कांग्रेस उन पर हंस रही थी, तो अटल जी ने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा और एक दिन वो आएगा जो कांग्रेस को कैंडिडेट ढूंढने पड़ेंगे। आज कल घोषणा हमारे हरियाणा की आधे लोगों की हुई, आज इससे जानते हैं कि डर रहे मोदी जी हैं या इनके पास कैंडिडेट पैदा नहीं हो रहे हैं।
मैं ये कहना चाहती हूँ और मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि 25 तारीख को वोट करने जरूर जाइएगा और देश की उन्नति के लिए और देश की विकास के लिए और मोदी जी के हाथ और डबल इंजन की सरकार के लिए वोट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी जी। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगी। बिल्कुल माहौल एकदम पॉजिटिव है और हम सोनीपत लोकसभा 5 लाख वोटों से जीतेंगे और भाई नरेंद्र मोदी जी का जो 400 पार का हम सब ने लक्ष्य तय किया है तो वो बिल्कुल 400 पार हम जा रहे हैं और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। महिलाओं का आशीर्वाद है, बहनों का आशीर्वाद है माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो बहुत ही जोश खरोश के साथ महिलाएं काम कर रही हैं, भाई हमारे काम कर रहे हैं और देश की जनता मोदी जी के साथ है। देखिए आप देखिए कि पिछले 15 से 20 दिन से जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय मोहनलाल जी की टिकट हुई है जब से लेकर के और आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं था कि जिस दिन आदरणीय मोहनलाल जी अपने लोकसभा के किसी भी गांव में किसी भी क्षेत्र में ना गए हों। और जो जन समर्थन जो प्यार जो है जनता का आदरणीय मोहनलाल जी को मिल रहा है तो सबके सामने है। जहां तक बात है सतपाल ब्रह्मचारी की, आप ये देखिए कि वो 2-3 चुनाव पहले जो है वो उत्तराखंड में लड़ चुके हैं और किस प्रकार का जो है पब्लिक उन पर विश्वास जता है वो सबके सामने है। तो निश्चित रूप से एक बाहर का व्यक्ति आकर के सोनीपत का प्रतिनिधित्व करे तो सोनीपत की जनता इसको स्वीकारेगी नहीं और निश्चित रूप से हमारा विश्वास ये है कि आज तक जितना बड़ा मैंडेट कभी सोनीपत की जनता ने नहीं दिया वो मोहनलाल जी को मिलेगा। और मोहनलाल जी का भी एक भाव जो हमने देखा लोगों के बीच में जाकर के जो है वो छोटे स्तर से शुरू होकर के मंडल से जो है प्रदेश के महामंत्री है, विधायक हैं, मुझे लगता है कि उस कर्म योगी को जो है सोनीपत की जनता आशीर्वाद देने वाली है और 5 लाख प्लस के मार्जिन से जो है सोनीपत की एक अप्रत्याशित विजय जो है आदरणीय मोहनलाल जी की झोली में जाएगी। ये मोहनलाल जी के जितने प्रोग्राम हो रहे हैं और जिन जिन स्थान पर वो जा रहे हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और सारी जनता को देश की जनता को पता है कि ये देश का इलेक्शन है, किसी कोई लोकल इलेक्शन नहीं है, देश को मजबूत करने का इलेक्शन है। अगर हमारा प्रधानमंत्री मजबूत है तो हमारा देश मजबूत होगा, हम गौरवान्वित महसूस करेंगे दुनिया के सामने, इसीलिए लोग भीड़ में उमड़ रहे हैं और जहाँ जाओ भव्य स्वागत हो रहा है मोहनलाल जी का और भारी बहुमत से उनको जीत मिलने वाली है। आज हमें खुशी है कि हमारे दूसरी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है और वो भी संत हैं और मोहनलाल जी को आशीर्वाद देने आए हैं, जीत का आशीर्वाद देके जाएंगे और अपने हरिद्वार में खूब लोगों की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जगत महान न्यूज के लिए गोहाना और सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।